जानते हो दुनिया में कपड़ों का सबसे महंगा ब्रांड कौन सा है? वो है इंडियन आर्मी की वर्दी। पर एक साल अस्ते थे सर जी। अरे नहीं बनना बनने फौजी। काम हो जाना चाहिए। मिट्टी पे अपनी किस्मत भी मेरी। तो ये बताइए, जैसे उसने पिच आपको भी कर लिया या डायरेक्टर से डायरेक्ट बातचीत की, फिर एक जवाब नहीं दे पाए आप पर, तो फिल्म तो बना लेते हैं लेकिन पिचिंग नहीं हो पाती, उसकी रिलीजिंग नहीं हो पाती, उसमें 10-10 साल लगते हैं। माइनर है या सिनॉप्सिस या कुछ इस तरीके का मसाला फिल्म का वेब सीरीज का है, तो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करे, कैसे वो पिच क्रिएशन, जैसे फिल्म की पृष्ठभूमि किस तरीके की है? साथियों को मैं आपका दोस्त आरजे विनय दिया। अभी खड़े हैं हम गुड़गांव के अंदर और हमारे साथ एक डायरेक्टर खड़े हैं जिन्होंने फौजा मूवी बनाई है, उनसे एक बार बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो सर? गल रहा भाई। अच्छा, स्वाद आ रहा है, जी सा रहा है। गर्मी हो रही है फिर भी जी सा रहा है। गर्मी का घना अपना मजा है भाई, और अभी तो गर्मी फिल्म की भी आने लग रही है चारों तरफ। क्या कहना चाहोगे, फिल्म तो पहले बड़का छुट्टी भी होली, पेरेंट्स भी फ्री हो गए भाई। कह रहे ना, जब भगवान मेहर बरसावे है ना, तो जी खोल के बरसावे है। तो भाई भगवान हमने तीसरा लग रहा है कि भगवान ने कति जी भर के हमारे ऊपर मेहर बरसा रखी है। जब छुट्टी होगी तो हम यह उम्मीद करेंगे आपके जरिए लोगों आए कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म ने देखने जाए, और ये मेरा वादा है सबसे कि फिल्म जरूर आपने मनोरंजन तो जरूर करे, रोन का भी मजा है, हंसन का भी मजा है, और लड़न का मजा, मसाला तो मेरा नहीं किया है, पर यूं है कि आज तो आप भी नहीं सोचोगे यार मैं तो भारतीय सेना में जाऊंगा, तो कितने जाऊं जाना। अच्छा, इतना अप्रिशिएट कर देती है। मैंने तो ऐसा लगे जी, बाकी तो आप बताओगे, दो देखने वाले बताएंगे, देखनी है बताऊंगे। अच्छा, मैं आपसे प्रमोद जी आपसे जानना चाहता हूं, जैसे फिल्म की पृष्ठभूमि किस तरीके की है थोड़ा सा बताओ, फिल्म की स्टोरी मत बताना, पृष्ठभूमि बताओ। स्टोरी तो मैं कति नहीं बताऊंगा, पृष्ठभूमि फिर भी बता दूंगा आप कह रहे हो तो। बात ऐसी है कि जो फौजा है इसकी 10 पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में जाती रही है, इसका पैर खराब हो गया फौजा का, ये सेना में नहीं जा पाया। अब इन पर जज्बा वही था, मतलब कहे ना वर्दी नहीं पर जज्बा वही, पागल था दिल से भी दिमाग से भी भर, कभी इसका नाम फौजा पड़ गया गांव में, रुक का नहीं पड़ जाया करे, जैसे कि भाई ये जरा फौजा, ये जरा फौजा, इधर पर उस तरह से इसका नाम फौजा। दूसरी बात यह है कि अपने बेटे ने भी, फिर अब इसका बेटा हो जाए, सोचे यो फौज में जाएगा, परंपरा आगे बढ़ेगी, अब बेटा भी फौज में नहीं जाना चाहता, तो उस बाप बेटे की फौज में जाने या ना जाने की वो जद्दोजहद है। अब एंड में तो फिर आप नहीं बेरा चलेगा, एंड तो बताना भी कोई, क्लाइमेक्स तो है, देखनी है देखेंगे उड़ जाएंगे। तो प्रमोद जी आपसे जानना चाहूंगा, अगर कोई कलाकार के पास जैसे हरियाणा की कोई स्टोरी है, बाहर की कोई स्टोरी है, और कुछ उसके पास मसाला है, वन लाइनर है या सिनॉप्सिस है, कुछ इस तरीके का मसाला फिल्म का वेब सीरीज का है, तो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करे, कैसे वो पिच करे स्टोरी? भाई मेरा सारे साथियों एनी टाइम कदे फोन कर ले भाई, और आपने मेरा है फिल्म बनाना, कति पसीने आ रहे हैं जी तक, और आपके जरिए हम तो फिर भी रिक्वेस्ट करें भाई, हमारे पसीने जब सूखे जब आप भी देखो, और भाई कोई अच्छी कहानी है भाई जो मेरे पास है मैं उसको कति देने तैयार हूँ, मतलब कुछ भी कोई कौनी दिक्कत नहीं। अच्छा सर, जैसे मैं पूछना चाहूंगा, फिल्मों के अंदर बहुत सारे बच्चे कोर्स करके, एडवांस कोर्स करके विदेशों से भी इंडिया में काम कर रहे हैं, तो फिल्म तो बना लेते हैं लेकिन पिचिंग नहीं हो पाती, उसकी रिलीजिंग नहीं हो पाती, उसमें 10-10 साल लग जाए। यो भाई कड़िया सवाल पूछ लिया तेने, यो तो सच है भाई, बनाना एक बात और उसको दिखाना है दूसरी बात भाई, मतलब छोरा तो तैयार हो जाए, बहू नहीं पांदी ब्याह खातर। यो तो हरियाणा के कई शहरों में प्रॉब्लम है, छोरा कति गबरू जवान पड़े हैं, और ऐसी फिल्म है हरियाणा में कमी थोड़ी नहीं है भाई, खूब कहानियां हैं, खूब टैलेंट भरा पड़ा है टैलेंट। हरियाणा के लोग आज मुंबई में खूब छा रहे हैं, मुंबई के लोग यहाँ फिल्म बना के बनाने लग रहे हैं, सुल्तान बना ली, दंगल बना ली, और भी अभी अपने मधुकर भंडारकर जी एक फिल्म आई थी बंटी क्या बबली बाउंसर क्या था वो वाली,
यार वो जब बना के जान लग रहे हैं, हरियाणा में आके शूट कर रहे हैं, हरियाणी भाषा बुलवा रहे हैं, हरियाणवी बोली बुलवा रहे हैं, हरियाणा के लोग ले रहे हैं, हरियाणा की शूट कर रहे हैं, तो क्या हम नहीं बना सकते हैं? पर हम बना सकते हैं, पर हमारा न्यू है कि भाई हम तो सरकार से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी हेल्प करे। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में भाई कमी कोनी टैलेंट की भी और घनी कमी। अरे हरियाणा के लोग छान लग रहे हैं यार, सतीश कौशिक जी लो, राजकुमार राव लो, यशपाल शर्मा जी लो, यशपाल शर्मा जी ने रणदीप हुड्डा, यशपाल शर्मा जी ने कितनी अच्छी फिल्म बनाई लक्ष्मी। तो मैं तो हम तो देख के अभिभूत हो गए कि कोई ऐसी भी फिल्म बना सकता है। तो आपने मेरा एक जवाब नहीं दे पाए, आप प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, रिलीजिंग में टाइम क्यों लगता है, वो एक बार कंसल्ट। देखो ये इस जवाब शायद मेरे पास इसका जवाब तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बनाने के बाद रिलीजिंग में भी उतना ही खर्चा है। हम सौभाग्यशाली कि हमें किसी का साथ मिल गया तो हम रिलीज कर पाए, तो शायद हम भी नहीं कर पाते। तो पिच जैसे स्टोरी किसी ने पिच करने, जैसे बहुत सारे राइटर अपने चैनल को भी फॉलो करते हैं, तो ये बताइए जैसे उसने पिच आपको भी कर लिया, या डायरेक्टर से डायरेक्ट बातचीत करे, या प्रमोटर से ज्यादा बातचीत करे, या प्रोड्यूसर से ज्यादा बातचीत, किस तरीके क्या होता है? देखो ये तो मैं क्या बताऊं आपको, जैसे आजकल स्टेज ऐप पे परवेश राजपूत जी हैं, वो नई नई स्टोरियां नए नए खूब काम दे रहे हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं, आज उनका अच्छा वो काम कर रहे हैं। और भाई कोई आते हैं, हम तो तैयार हैं, अभी किस तरह का सब्जेक्ट है, किस तरह की कहानी है, वो है, तो मतलब उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं यार, बनाने के लिए तो है यही काम करना। जैसे प्रमोद जी मैं पूछना चाहूंगा कि भाई जैसे कितनी फिल्म पहले आपने की, वेब सीरीज, फिल्म, नाटक, कोई स्टोरी, मतलब इस तरीके से आपने बैकग्राउंड? मैंने थिएटर जी भर के किया है, बैरी जॉन साहब के साथ छोटी मोटी, बैरी जॉन जी के साथ, हाँ, और मैंने शॉर्ट मूवीज बनाई है, और ये फीचर फिल्म मेरी पहली है। लाजवाब करोगे कुछ ना कुछ तो। वो कहने हमारा मैं सदा घर में पिटता है, बोला कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। मैं एक बार बाप के बोला मैं मुझे कुछ ना करना है, वो कमाल करे है। तो ये ऐसी है, तो बाप ने ठाया जूतर मारा, बोला मैं बताऊं तेरा कमाल गीजा हुआ है। तो भाई कमाल करने की तो कुछ नहीं, बट कोशिश की है। अच्छा जैसे आप मेरे बात रहते थे फिर गुड़गांव में शिफ्ट, 20-25 साल यहाँ भी रहते हुए हो गए, बॉम्बे भी जाते होंगे, तो किस तरीके टोटल मार गए, किस तरीके का लगता है बस सिनेमा कहाँ अच्छे तरीके से ग्रोथ हो सकता है? आप तो जज्बा चाहिए बस, कहीं भी जज्बा शुरू हो जाए, बात ही है और कुछ नहीं, मुझे तो ये लगता है। तो फिल्म के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना है? मैं यही कहूंगा भाई, सेना को 100% समर्पित एक फिल्म है, आप जरूर 1 जून को अपने नजदीकी सिनेमा घर में जाएं, लोगों को बताएं, बच्चों को दिखाएं। मैं कह रहा हूँ बच्चे आज जैसे मोबाइल वगैरह इन सब में लगे हुए हैं, एक बार मोबाइल छोड़ा के फिल्म तो दिखाओ। अगर बच्चों में जज्बा ना पैदा हो सेना का, तो ये हमारे साथ डायरेक्टर प्रमोद कुमार, जिन्होंने बताया कि फौजा मूवी किस तरीके से बनाई और नए कलाकार, नए राइटर कैसे अपनी मूवी को पिच कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना दोस्तों उन साथियों के साथ जो फिल्म देखना जानते हैं, देखना चाहते हैं, और राइटर लिखते हैं, फिल्म में लिखते हैं, शॉर्ट फिल्म लिखते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।